प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनी के इक्विटी स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जिसका लास्ट 2 इयर्स में परफॉर्मेंस फेनोमिनल रहा है। इनफैक्ट परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उनसे अगर आप इनका रिटर्न्स कंपेयर करेंगे तो उनसे भी इनका रिटर्न्स काफी ज्यादा है। इस म्यूचुअल फंड कंपनी के आउट परफॉर्मेंस का जो सबसे बड़ा बात है वो है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो स्कीम ने आउट परफॉर्मेंस किया है। इनफैक्ट इस म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑलमोस्ट सारे इक्विटी फंड्स का जो रिटर्न्स आया है लास्ट 2 इयर्स में वो काफी ज्यादा रहा है। इस वीडियो में आगे हम डिटेल में जानेंगे कि क्वांट इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा क्यों रहा है और क्या फ्यूचर में भी हम इस तरह का परफॉर्मेंस क्वांट के इक्विटी फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप क्वांट के कुछ इक्विटी फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 जून 2021। उस समय अगर आप इन फंड्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो रिटर्न्स काफी ज्यादा थे। इनफैक्ट क्वांट स्मॉल कैप फंड ने तो उस समय लास्ट 1 ईयर में 200+ का रिटर्न जनरेट किया था और क्वांट टैक्स प्लान ने भी अबाउट 127% और क्वांट एक्टिव फंड ने अबाउट 114% का रिटर्न जनरेट किया था। उस समय लास्ट 1 ईयर में इनके बेंचमार्क का भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छा था क्योंकि ओवरऑल मार्केट ने ही काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन बेंचमार्क से इन फंड्स का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पर आप इन फंड्स का लेटेस्ट रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स रिटर्न्स वो 1 जून 2021 जैसा तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनके रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करें तो बेंचमार्क के कंपेयर टू इनका रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है। लाइक क्वांट एक्टिव फंड लास्ट 1 ईयर में 12% का रिटर्न है, बेंचमार्क का रिटर्न सिर्फ अबाउट 3% का है। स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क का रिटर्न्स अबाउट 2% का है। सिमिलरली टैक्स प्लान का रिटर्न्स ऑलमोस्ट 18% का है जबकि बेंचमार्क का रिटर्न ओनली अबाउट 2% का है। सो इन फंड्स का करेंट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। अभी हमने जो क्वांट के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस देखा है तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वांट का 3 फंड से लिया है, लेकिन अगर आप क्वांट के दूसरे इक्विटी फंड्स को भी देखें तो वहाँ भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। इनफैक्ट परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि इस परफॉर्मेंस को देखकर कोई भी क्वांट के इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। नाउ हम देखते हैं कि क्या क्वांट के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस हमेशा से ही इतना अच्छा रहा है या फिर इनका परफॉर्मेंस सिर्फ रीसेंट टाइम्स में इतना अच्छा आया है। यहाँ पर आप इन ऑल 3 फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जो बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था, और साथ ही आप यहाँ पे इन ऑल 3 फंड्स का AUM भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 में इन फंड्स का AUM काफ़ी छोटा था। इनफैक्ट क्वांट स्मॉल कैप का AUM था अबाउट 1.5 करोड़, क्वांट टैक्स प्लान का AUM था अबाउट 7.5 करोड़ और क्वांट एक्टिव फंड का AUM था अबाउट 7.6 करोड़। और उस समय अगर आप इन फंड्स के लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो इनका रिटर्न्स अच्छा नहीं था। मैं रिटर्न्स अच्छा नहीं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज कम्पेयर टू बेंचमार्क इनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं था। बेंचमार्क जितना गिरा था ये फंड्स भी रिलेटिवली उतने ही गिरे थे। लाइक क्वांट स्मॉल कैप में अगर आप लास्ट 1 ईयर का बेंचमार्क का परफॉर्मेंस देखें तो बेंचमार्क अबाउट 41% से गिरा था, ये फंड भी अबाउट 41% से गिरा था। क्वांट टैक्स प्लान का बेंचमार्क लास्ट 1 ईयर में अबाउट 28% से गिरा था, तो ये फंड भी अबाउट 27% से गिरा था। क्वांट एक्टिव फंड का लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क अबाउट 32% गिरा था और ये फंड अबाउट 26.5% गिरा। तो उस समय इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। इनफैक्ट 3 ईयर 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन में भी इन फंड्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं था, साथ ही इन फंड्स का AUM काफ़ी ज़्यादा छोटा था। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ये पीरियड कोरोना पैंडमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड है। यहाँ भी आप देख सकते हैं AUM काफ़ी छोटा है और इनका परफॉर्मेंस अगर आप देखें एज कम्पेयर टू बेंचमार्क तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी तक हमने क्वांट के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस चेक किया है 4 डिफरेंट डेट्स पे। जो हमने 1st 2 डेट्स पे रिटर्न्स चेक किया है उसमें हमने देखा है
कि रीसेंट टाइम्स में क्वांट इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है, जबकि हमने जो नेक्स्ट टू डेट्स पे इनका परफॉर्मेंस चेक किया है उससे ये पता चलता है कि पास्ट में इन फंड्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और साथ ही इन फंड्स का इवन काफी ज्यादा छोटा था। सो नाउ अब हम ये जान लेते हैं कि अचानक क्वांट इक्विटी फंड्स में ऐसा क्या हो गया कि इनका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जो क्वांट एएमसी है, दैट इज म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो काफी नई एएमसी है। ऑल्दो जब आप क्वांट के रिटर्न्स चेक करते हैं तो वहां पे आपको इवन 10 इयर्स का रिटर्न्स देखने को मिलता है, लेकिन वो इसलिए मिलता है क्योंकि क्वांट कैपिटल, जो कि एक ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, उसने स्कॉट्स म्यूचुअल फंड को 2018 में बाय आउट किया और उसके बाद स्कॉट्स म्यूचुअल फंड का जो मैनेजमेंट है और फिर फंड मैनेजमेंट टीम है उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। सो आइडियली जब भी हम क्वांट म्यूचुअल फंड के स्कीम्स का परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस हमें लास्ट 2-3 इयर्स का ही चेक करना चाहिए, क्योंकि उसके पहले ये स्कॉट्स म्यूचुअल फंड कंपनी था और उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सो नाउ ये समझने के लिए कि क्वांट जैसी एक न्यू एएमसी ने इतना ज्यादा रिटर्न्स कैसे जनरेट कर लिया, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को समझना होगा। क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से जो एक बात क्लियरली हमें पता चलती है जिसके कारण इनका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा रहा है, वो है इनका हाइपर एक्टिव स्ट्रेटजी। आपको पता है कि दो तरह के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होते हैं, एक पैसिव एक एक्टिव, तो यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक्टिव नहीं, इनफैक्ट हाइपर एक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें मार्केट कंडीशन से ज़्यादा मतलब नहीं है, इन्हें किसी पर्टिकुलर सेक्टर से ज़्यादा मतलब नहीं है, इन्हें जहाँ भी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिसमें नियर फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं तो वहाँ पे ये अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। दैट्स वाई मैं इसे हाइपर एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ। दैट्स वाई अगर आप पास्ट में इनके इक्विटी फंड्स का जो एनुअल टर्नओवर देखेंगे तो वो 300-400% हुआ करता था। कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था, उसके बाद जो स्टॉक मार्केट्स में मेजर बुल रन आया था, उसमें अगर आप देखें तो 4 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा था। फर्स्ट ऑफ कोर्स था फार्मा, सेकंड आईटी, और इसके अलावा 2 और सेक्टर्स थे, केमिकल सेक्टर एंड सेकंड था मेटल सेक्टर। उस समय के ज्यादातर इक्विटी स्कीम्स का अगर आप सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो आपको आईटी और फार्मा का एलोकेशन काफी ज्यादा मिलेगा और साथ ही मेटल्स और केमिकल्स का भी कुछ एलोकेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप उस समय के क्वांट के इक्विटी फंड्स का सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो वहां पे ऑल्दो आईटी और फार्मा का एक्सपोजर तो अच्छा है, लेकिन केमिकल और मेटल सेक्टर का एक्सपोजर काफी ज्यादा था। और ये ओवर एक्सपोजर टुवर्ड्स केमिकल एंड मेटल सेक्टर्स काफी बड़ा रीजन था जिसके कारण क्वांट के इक्विटी फंड्स ने इतना ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किया था। उस समय केमिकल्स एंड मेटल सेक्टर्स काफी ज्यादा सिक्लिकल्स होते हैं और इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा रिस्की माना जाता है। दैट्स वाई अगर आप दूसरे इक्विटी स्कीम्स का एक्सपोजर देखें तो ऑल्दो उन्होंने इसमें एक्सपोजर लिया था, लेकिन एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं था, जबकि क्वांट के इक्विटी फंड्स ने इन दोनों सेक्टर्स में काफी ज्यादा एक्सपोजर लिया था। तो ऑल्दो उन्होंने रिटर्न्स तो बहुत ज्यादा जनरेट किया था, लेकिन यहाँ पे हमें यह भी मानना होगा कि उन्होंने ओवरऑल रिस्क बहुत ज्यादा लिया था एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी हाई रिस्क उनका रिटर्न्स भी अच्छा आया था। यहाँ पे क्वाइट क्लियर है कि क्वांट एएमसी ने बिकॉज ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बहुत ज्यादा रिस्क लेकर उस समय वेरी हाई रिटर्न्स जनरेट किया था। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई फंड वेरी हाई रिटर्न्स एक बार जनरेट कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली वेरी हाई रिटर्न्स जनरेट कर पाएगा। और हम किसी फंड को टॉप फंड तभी बोलते हैं जब वो फंड कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेरी हाई रिटर्न्स जनरेट कर पाए एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क एंड एज कम्पेयर टू अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी। नाउ हम देखते हैं कि फिलहाल क्वांट के इक्विटी फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, उनका मार्केट कैप एलोकेशन क्या है, उनका सेक्टर एलोकेशन क्या है और उनका ओवरऑल स्टॉक पोर्टफोलियो क्या है। उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि फ्यूचर में हम इनसे किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 इक्विटी फंड्स लिया है, क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान। यहाँ पर अगर आप इनका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो ये मार्केट के आसपास ही है, तो ये ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये फंड्स ऑल्दो ग्रोथ स्टॉक्स में तो ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं, लेकिन साथ ही वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन फंड्स का जो सरप्राइजिंग पार्ट है वो है इनका एनुअल टर्नओवर। तो हमें पता है कि पास्ट में इन फंड्स का एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, इवन 200, 300, 400% का, बट फिलहाल इन फंड्स का एनुअल टर्नओवर ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट ये 35% to 60% के आसपास है। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। इन ऑल थ्री फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन में एक चीज़ क्लियरली पता चलती है कि इन सभी फंड्स में लार्ज कैप के फंड्स में एलोकेशन अच्छा लिया गया है। इनफैक्ट क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अबाउट 20% एलोकेशन लार्ज कैप के स्टॉक्स में लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के लिए। यहाँ पर आप इन ऑल थ्री फंड्स का सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं, और इनका सेक्टर एलोकेशन अगर आप कंपेयर करें विथ अदर फंड्स इन सेम कैटेगरी तो इनका सेक्टर एलोकेशन काफ़ी अलग है। इन ऑल थ्री फंड्स में सर्विसेज एंड कंज्यूमर स्टेपल्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, जबकि आप दूसरे फंड्स में सर्विसेज और कंज्यूमर स्टेपल्स का एक्सपोजर देखें तो रिलेटिवली वो काफ़ी कम है। और साथ ही अगर आप इन ऑल थ्री फंड्स में फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपोजर देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपोजर काफ़ी कम है। और फिलहाल अगर आप मार्केट्स को देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी सरप्राइजिंगली इनके इक्विटी फंड्स में फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी कम है। यहाँ पर आप इन ऑल थ्री फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो देख सकते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो भी क्वाइट सरप्राइजिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं वो कॉमन मिलेंगे। यहाँ पर आप इन ऑल थ्री फंड्स के टॉप 10 होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन फंड्स में बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैप है। इनफैक्ट इन ऑल थ्री फंड्स ने ITC और अंबुजा सीमेंट्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, और साथ ही पतंजलि फूड्स में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है। इन फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये क्लियरली पता चलेगा कि इन फंड्स ने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। लाइक अगर आप क्वांट एक्टिव फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट, जो कि अब अदानी ग्रुप का ही पार्ट है, अदानी पोर्ट्स और अदानी इंटरप्राइजेस में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। और अगर आप क्वांट टैक्स प्लांट का स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो यहाँ भी अंबुजा सीमेंट्स, अदानी पोर्ट्स और अदानी इंटरप्राइजेस में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। अगर आप इन थ्री फंड्स में पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करेंगे तो क्वांट एक्टिव फंड और क्वांट टैक्स प्लान में पोर्टफोलियो ओवरलैप अबाउट 67% का, और 39 स्टॉक्स कॉमन है इन दोनों फंड्स में। क्वांट एक्टिव फंड और क्वांट स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो ओवरलैप अबाउट 41% का, और 22 स्टॉक्स कॉमन है। और क्वांट टैक्स प्लान और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 30% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है और 19 स्टॉक्स कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन थ्री फंड्स में ही पोर्टफोलियो ओवरलैप ज़्यादा है। अगर आप क्वांट के दूसरे इक्विटी फंड्स को भी देखें तो वहाँ भी पोर्टफोलियो ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे एटलीस्ट ये तो क्लियर है कि आपको अगर क्वांट के फंड में इन्वेस्ट करना भी है तो सिर्फ एक ही इक्विटी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो नाउ आफ्टर दिस डिटेल्ड रिव्यू ऑफ क्वांट के इक्विटी फंड्स, हमें जो जो चीज़ें पता चली हैं क्वांट के फंड्स के बारे में उसे मैं आपके लिए समराइज करता हूँ। नंबर वन पॉइंट, क्वांट AMC बिल्कुल नई कंपनी है। जो आप 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का रिटर्न्स देखते हैं क्वांट के इक्विटी फंड्स का, वो इसलिए है क्योंकि वो रिटर्न्स स्कॉट्स म्यूचुअल फंड का है, क्वांट का नहीं है। और स्कॉट्स म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और उसके बाद जब क्वांट कैपिटल ने स्कॉट्स म्यूचुअल फंड्स को बाय आउट किया, उसके बाद जो मैनेजमेंट है और फंड मैनेजमेंट टीम है वो पूरी तरह से चेंज हुआ है, और उसके बाद से इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। सेकंड है क्वांट का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, जो कि हाइपर एक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्केट कंडीशंस या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लाइक ग्रोथ या वैल्यू या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे किसी भी तरह का ध्यान नहीं देंगे। इन्हें कहीं भी कोई भी अच्छा स्टॉक मिलता है, वो वैल्यू हो या ग्रोथ हो या किसी भी मार्केट कंडीशन में हो या फिर किसी भी सेक्टर का हो, अगर इन्हें लगता है कि वो स्टॉक अच्छा रिटर्न्स दे सकता है फ्यूचर में तो वो अपना इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक में करेंगे। थर्ड है कि इनका जो वेरी हाई रिटर्न्स आया है रिसेंट टाइम्स में, वो मोस्टली इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है। लाइक
केमिकल और मेटल सेक्टर में इनका एक्सपोजर काफी ज्यादा था। फोर्थ है कि अगर आप क्वांट के मार्केट कैप एलोकेशन को देखें तो वहां पे लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। इनफैक्ट इनके स्मॉल कैप फंड ने भी लार्ज कैप के स्टॉक्स में 20% के अबाउट का एक्सपोजर लिया है। फिफ्थ है कि अगर आप इनका सेक्टर एलोकेशन देखें तो वहां पे इनका सेक्टर एलोकेशन एज कंपेयर टू अदर फंड्स काफी हद तक अलग है। इन्होंने सर्विसेज और कंज्यूमर स्टेपल्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है और फाइनेंशियल सेक्टर में इनका एक्सपोजर काफी कम है। इन फंड्स ने जो सर्विसेज और कंज्यूमर स्टेपल्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है उसे टू सम एक्सटेंट जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि अभी आप फिलहाल दूसरे कंट्रीज को देखें तो सारे मेजर कंट्रीज में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन रिलेटिवली इंडिया का जो पोजीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो रिलेटिवली बेटर है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इंडियन कंज्यूमर से डिमांड आएगा वो डिमांड बना रहेगा। तो इन दिस केस जो सर्विसेज हैं या फिर कंज्यूमर स्टेपल्स की कंपनीज हैं उनका फ्यूचर में हम जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर काफ़ी कम है और फाइनेंशियल स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल हम फ्यूचर में काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनके जो डिफरेंट इक्विटी फंड्स हैं उसमें पोर्टफोलियो ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि इनके इक्विटी फंड्स ने जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। सो नाउ फाइनल पॉइंट इज क्वांट का जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो बिल्कुल अलग है, और ये जो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एज पर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। दैट्स वाई अगर आप इनका मार्केट कैप एलोकेशन या सेक्टर एलोकेशन या स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो वो काफ़ी हद तक अलग है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। लाइक इनके सेक्टर फंड्स में हमने देखा इनका सेक्टर एलोकेशन काफ़ी अलग है, साथ ही इनके स्टॉक पोर्टफोलियो में भी हमने देखा है कि अदानी के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, और इस तरह का ह्यूज एक्सपोजर आपको दूसरी कंपनीज के स्कीम्स में नहीं मिलेगा। साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना है कि क्वांट एएमसी एक न्यू एएमसी है जिसका हमने सिर्फ लास्ट 2-3 ईयर्स का ही रिटर्न्स देखा है, तो आइडियली हमें क्वांट एएमसी के इक्विटी फंड्स को कुछ और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मे बी 1 or 2 ईयर्स मोर, और उसके बाद हम इनका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, और अगर ये अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाते हैं तो ऑफ कोर्स हम इनके इक्विटी फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि बिकॉज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इनके इक्विटी स्कीम्स रिलेटिवली रिस्की होंगे, तो अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना होगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर इनके जो बेट्स हैं वो अगर क्लिक होते हैं तो रिटर्न्स भी आपको अच्छे आएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।